शालोम, एक बार फिर आप तमाम देखने और सुनने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूं। और मसीही टबर की एक और एपिसोड में हम आज शाम हाजिर हुए हैं भाई यासिर के खानदान से मुलाकात करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, सबसे पहले मैं आपका और आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वक्त से वक्त निकाला और हमारे घर पे जो है वो तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। क्या मसीही टबर प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं? जी पास्टर जी, देख रहे हैं। पहली जो है प्रोग्राम भाई हेनरी का था, और फिर उसके बाद डेविड एंड फैमिली, फिर भाई सनी का। जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अपने व्यूज़ एंड थॉट जो है वो शेयर कर रहे हैं ताकि हम अपनी मसीह आने वाली नस्लों को जो है, ठीक है, मसीहत में किस तरह जो है बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से तो वाकिफियत रखते हैं। जी पास्टर जी। तो क्या मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूं आप लोगों से? जी श्योर पास्टर जी। तो ना डर हो के आप जवाब देंगे? जी यासिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाजी आपसे पूछना चाहता हूं कि अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन से लाहे अमल हैं जो आप अपनी जिंदगी में लेते हैं ताकि आपकी मसीही इज़्दवाजी जिंदगी अच्छी और बेहतर गुजर सके? जी, मैं चाहता हूं कि मेरी अहलिया जो है इसका जवाब दें, फिर मैं कुछ एडिशन करूंगा बीच में। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, लेडीज फर्स्ट। आपने वो मुहावरा तो जरूर सुना होगा। भाई मेरी थॉट तो ये है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, और शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मेरे ख्याल से कि बहुत मुश्किल है कि आपकी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है वो गुजर सके अच्छे तरीके से। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में। जी। तो मेरे ख्याल से मेरे थॉट तो यही है कि जी। यासिर भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बाजी ने बहुत खूबसूरत बात की है। जी भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि आपको मसीह में जो है वो एक होना चाहिए, यानी कि आप इस दिवाजी ज़िंदगी में जब आप मसीह से रहनुमाई लेके चलते हैं तो मैं नहीं समझता कि ठीक है कोई और प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, चेक एंड बैलेंस जो है होना बड़ा ज़रूरी है मसीही ज़िंदगी में, यानी कि आप बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, अपने वालदैन को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। जब आप बैलेंस करके चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम जो है वो आती हैं या प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और जी, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना। वेरी गुड, थैंक यू। जी यासिर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चों की परवरिश आप किस तरह से करते हैं ताकि एक अच्छे मसीही दुनिया में उभरने वाले हो सके? जी पास्टर जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि मसीही खानदान के लिए ज़रूरी है कि वो जो है फैमिली प्रे किया करें। फिर सेकेंड, कि आप अपने बच्चों को रात के वक्त जो है आदत डालें कि मसीही जो है बुक्स या स्टोरी जो है वो रीड करें, पढ़ें। और दूसरी बड़ी बात, जब आप प्रे करते हैं या फैमिली प्रे होती है तो बच्चे फारिग ना बैठें, आप हिस्सा दें उस प्रे में। बच्चे को बोलें कि मतलब आप बाइबल रीडिंग करें साथ में बच्चा। जब साथ में बच्चा आपके बाइबल रीडिंग पढ़ेगा करेगा तो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है कि मेरा ये पार्ट है, मुझे ये करना है। फिर गीत में उसे हिस्सा दें, उन्हें बोले कि ज़बूर सेलेक्ट करें, ठीक है, और साथ में वो ज़बूर गाए। और बड़ी बात है कि आप चर्च से जो है वो जुड़े रहें। वेरी गुड। जी बाजी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी पादरी साहब, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को बाकायदगी से जो है वो संडे स्कूल भेजना चाहिए। उनको संडे स्कूल के जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि इनको बच्चों को जो है वो फेलोशिप में रखना बहुत ज़रूरी है। और घर में हमारा इस तरीके से हम लोगों के वो रहना चाहिए कि बच्चे हमसे सीख सकें, ना कि वो नेगेटिविटी जो है वो हमसे अपनाएं, बल्कि जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो हमसे सीख सकें, जो आगे चल के उनके काम आ सकें। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, डैनिका जो है वो बाइबल स्टोरी एक सुनाना चाहती है। जी क्यों नहीं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। जीसस डाई ऑन द क्रॉस। वेरी गुड। जीसस डाई ऑन द क्रॉस। लुक, डू यू सी व्हाट सम मैन आर डूइंग टू जीसस? दे आर नेलिंग देयर हैंड्स टू बिग वुडन क्रॉस।
They are needing this week too. This Jesus has not hurt this man. But look what they are doing to him. Why are they so mean? Jesus is dying on the cross. He came to earth to do some that is because he loves us so much. Very good. जी, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं आखिरी सवाल कि आप क्या मैसेज कम्युनिटी को देना चाहते हैं ताकि उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। जी भाई साहब, मैं सुनने वालों को, व्यूअर्स को, तमाम कपल्स को, यंग यूथ को मैसेज देना चाहता हूं कि आप, खुदा ने जो आपको गिफ्ट दिया है, खुदा के कलाम में लिखा है, तुझे अच्छी बीवी मिली तो तुझे तोहफा मिला। इस खूबसूरत तोहफे का ध्यान करना, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बेस्ट से बेस्ट दें, अपनी ज़िंदगी को चेक एक बैलेंस करते रहें, अपने वालदैन का ध्यान रखें, जो जो कलामे मुकद्दस के मुताबिक जो है हमें हुक्म किया गया है उसके हिसाब से हमें जो है अपनी ज़िंदगी को बसर करना और चलते जाना। जी बाजी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी पादरी साहब, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम दें एक दूसरे को, और दूसरा ये कि प्रेयर जो है, फैमिली प्रेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को लेके साथ में हस्बैंड वाइफ जो है प्रेयर करें। हम लोग अगर सेपरेट प्रेयर करते हैं तो फैमिली प्रेयर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए यही मैसेज है। जी यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बाजी आपका, कि आज आपने हमें अपने घर बुलाया ताकि हम मसीही टब्बर की इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर सकें। जी थैंक यू पास्टर जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चैनल को लेके चल रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों तक जो है ये बात को पहुँचा सकें कि किस तरह हम इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारें, किस तरह हम बच्चों की परवरिश करें। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद यहाँ पे हमें ज़रूरत है अपने बच्चों पे वर्कआउट करने की, यहाँ पे ज़रूरत है हमें एक इनिशिएटिव लेने की और अपने बच्चों को जो है दुरुस्त करने की। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो मसीही ज़िंदगी के लिए, इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर दिस इनकरेजमेंट। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ही ये था के पासबान कलीसियाओं को हर एतवार, हर जुम्मे पुरपट से तो सिखाते ही हैं, तो क्यों ना ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी के वसीला से लोगों को सिखाया जा सके, उनको समझाया जा सके कि एक बेहतर और मसीही अच्छी जिंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो अजीजो, आप लोगों ने देखा और सीखा कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो अपने खानदान पे करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में दुआ बहुत अमली करदार अदा करती है। खानदानी प्रेयर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद केयरिंग और टाइम और देखभाल करना, चेक एंड बैलेंस रखना अपने बच्चों पे, ये भी खासा जरूरी है। तो हमें इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है ताकि हमारा खानदान भी बेहतरी की तरफ बढ़ने वाला हो सके। बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। हालेलुया।